हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनू शाह है। आप लोग इस वीडियो के थंबनेल से देख लिए होंगे किस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ आज। मेरा आज का टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम इन जापान। मैं इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और प्लस, अगर आप लोग को लगता है कि मैं कुछ बता रहा हूँ इस वीडियो में कुछ गलत लग रहा है, या कुछ आप सजेशन दे सकते हैं वीडियो के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली बता सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं मुझे क्या क्या बदलाव करना चाहिए। अब आगे चलते हैं वीडियो पे। एजुकेशन सिस्टम इन जापान देखा जाए तो वो नर्सरी से शुरू होता है, जिसमें 0 से 5 साल के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें पढ़ाई कम होके मोरल के बारे में एक्स्ट्रा कैरिकुलम कैरिकुल का एक एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी जो होती है उसको कराई जाती है, और प्लस उन लोगों को मोरल के बारे में अधिक जानकारी दी जाती है। फिर किंडरगार्टन आता है जो 4 से 5 साल के बच्चों के लिए होता है। ये भी एक मैंडेटरी स्कूल्स नहीं होती है, आप बच्चों को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक जॉब वाली पेरेंट हैं, दोनों जापान में जॉब वाले पेरेंट्स हैं, तो वो अपने बच्चों को चाहेंगे तो किंडरगार्टन में भेज सकते हैं, नर्सरी में भेज सकते हैं, क्योंकि उन लोग बस टाइम नहीं मिल पा रहा है होगा बच्चों को केयर करने के लिए, इसलिए। फिर आता है एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि मैंडेटरी होता है और जो इसमें 6 से 11 साल के बच्चों के लिए होता है। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, जापानीज लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, सोशल स्टडीज, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, मोरल के बारे में, ये सब और अदर एक्टिविटीज़ कराई जाती है। प्लस ये भी ध्यान रखने की बात है कि इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन में मोरल पे अधिक ध्यान दिया जाती है स्टडी के अपेक्षा। प्लस यहाँ पे बच्चों को तभी से सिखाया जाना शुरू कर दिया जाता है कि अपने क्लासरूम को कैसे साफ रखे, अपने स्कूल में कैसे साफ रखे, टॉयलेट को कैसे साफ रखे, तो उन्हीं से ये सब काम कराया जाती है। इससे क्या फायदा होता है कि अगर दोबारा बच्चा गंदा करना चाहेगा अपना रूम को, तो उसको एक मन में रहेगा कि अगर मैं गंदा करूंगा अपने क्लासरूम या टॉयलेट तो मुझे इस दोबारा साफ करना पड़ेगा। तो इससे एक उन लोगों को बचपन से ही मेंटेलिटी बन जाती है साफ रखने का, अपने शहर और सिटी को या अपने स्कूल को। इसलिए देखा जाता है जापान बहुत साफ सुथरा लगता है। अगर आप जापान विजिट करना जाएंगे तो आप देख सकते हैं हर गली, हर चौराहा, हर वहाँ की जो सिटी होती हैं क्लीन होती हैं। और आगे चलते हैं, अब आता है जूनियर हाई स्कूल, और जो कि 12 से 14 साल के बच्चों के लिए होता है। ये जो इसमें यहाँ से यूनिफॉर्म कंपलसरी कर दी जाती है गवर्नमेंट के जरिए। और यहाँ पे जो अब मैंने देखा, हम लोग ने नर्सरी से लेकर किंडर गार्डन एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ फ्री होता है गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन प्राइवेट स्कूल में लगता है, जैसे इंडिया में लगता है। लेकिन यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल में आते ही आप लोग को भी एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। इसमें प्रवेश मतलब जूनियर हाई स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम नहीं पास करना पड़ेगा, यहाँ पे फीस लगना, जूनियर हाई स्कूल से ही फीस वहाँ पे लगना शुरू हो जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में भी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। फिर हाई स्कूल आता है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है हाई स्कूल के लिए, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फीस भी लगता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल में भी लगता है, प्लस प्राइवेट स्कूल में तो लगेगा ही। यहाँ पे फीस लगता है 1.3 लाख पर ईयर लगता है फीस यहाँ पे। इस हाई स्कूल का मुख्य मकसद ये होता है कि बच्चों को शिक्षा ऐसा दिया जाए कि जो आने वाले जो स्कूल में एडमिशन लेंगे, नहीं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम पास कर सके। जैसे ओसाका यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ का टॉप 3 यूनिवर्सिटी में आता है वहाँ जापान के, और इसमें हेल्प मिलता है हाई स्कूल में। फिर वहाँ उसके बाद यूनिवर्सिटी आता है, जो 18 से 21 साल के बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद पीजी होता है, पीएचडी होता है, जैसे इंडिया में होता है सेम उस तरह सिस्टम है। लेकिन एक चीज़ सीखने को मिलती है हम लोग के जापान से कि वहाँ पे बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने शहर को कैसे क्लीन रखें और स्वच्छ रखें। ये था मेरा आज आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ये भी बताइए कि आप लोग ये बताइए कि मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए वीडियो के लिए, और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।